हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनोज़ोन। गाइस, निंजा मस्ट डाई गेम के अंदर हमारी जो स्टोरी थी यहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग ज़रा। और आप लोग जानते हैं कि जो हाइशिरो है वो यहाँ पर कुछ लफड़ा करने की फिराक के अंदर है यहाँ पर, और हम लोग उसी को चेकआउट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बट आप लोग भी यहाँ पर एक फिराक में रहें, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स को एंजॉय करने के लिए। तो गाइस, अपने इस मौके को बिल्कुल गवाएं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के मज़े लें यार, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों को इस चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के भाई प्रॉपर नशे मिलते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, हम लोग यहाँ पर ज़रा चेकआउट करते हैं कि हमारा जो मास्टर है उसका और हायाशिरो यहाँ पर हुआ क्या हमारा। आ चुका है, आप देख सकते हैं आप लोग हमारे पास जो जंप प्लेट्स आती हैं हमारी। ओ भाई, ट्रैप्स आ चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, बचते हैं इनसे। तो इन ट्रैप्स के अंदर क्या है कि बेसिकली मान लो जैसे आप लोग ऊपर कूदोगे ना, तो ये आपको दिख के ज़्यादा बाउंस बैक करते हैं। मेरी हेल्थ बहुत कम बची है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, मेरी एक भी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर मर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो भाई, नीचे से भूत आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर जो है यहाँ पर कांटे आ रहे हैं। तो स्पाइक्स और यहाँ पर गोस्ट दोनों का जो यहाँ पे एक रेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम लोग यहाँ पर उसको सरवाइव करने वाले हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रिक निंजा यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पांडा है यहाँ पर, वो ब्लेड से भी बच रहा है। बट आप लोग देख सकते हैं कि भाई ब्लेड यहाँ पर उल्टे भी आ रहे हैं। केयरफुल बड़ी, केयरफुल, बहुत बढ़िया, आराम से यार। गेम की यार स्टोरी अलग ही चल रही है। ओ डैम, ओ ओपी भाई, ये देखो प्रॉपर भाई, आप लोगों को निंजा हथौड़ी बनना ही पड़ेगा, मतलब ये समझ लो आप लोग यहाँ पर जो कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारी तारीफ करने का, ये तुम तो भैया खिलाड़ी निकले। लो भाई, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे इससे बैटल होने वाला होगा पक्का, आई एम श्योर। हाँ ये देखो भाई, आ जाओ भाई। तो गाइस, अब हमारा यहाँ पर बैटल होने वाला है इसके साथ, देखते हैं कि क्या ये हमारे निंजा को हरा पाएगी या हमारा इलेक्ट्रिक थंडर निंजा जो है वो इसकी ऐसी की तैसी कर पाएगा। जंप मारते हैं, प्रॉपर पीसी वाली गेम है यार ये, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, निंजा मस्ट डाई गेम प्रॉपर पीसी वाली गेम है। ओ भाई आ गई, लो गाइस। तो यहाँ पर ये अब इसने हम पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जानते हैं हम लोग इससे पहले एक रेड फेस वाले मॉन्स्टर से भी लड़े थे, बट यहाँ पर ये जो है ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हम लोगों के लिए होने वाली है, बट क्योंकि यहाँ पर निंजा हथौड़ी खुद भी बोलता है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो वही वाली सिचुएशन होने वाली है। बचते हैं, डबल जंप मारेंगे, सही। देखो अल्टीमेटली हम लोगों को अपनी हेल्थ बचानी है, और बिना उसके हम लोग यहाँ पर इससे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अटैक फेलते हैं, पावर यूज़ करते हैं अपनी। ओ अब इसके जो अटैक थे वो फॉलो बैक भी कर रहे हैं, वो भी वेव के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर। और इसकी जो हेल्थ बार है वो भी काफ़ी अच्छी है, अल्ट रेडी हो चुका है हमारा। ये लो भाई, अल्ट मारते हैं ज़रा इसके, बढ़िया सा, सही। क्योंकि आप लोग जानते हो हमारा जो यहाँ पर अल्ट है ये काफ़ी हद तक डैमेज को ब्लॉक तो करता ही है, प्लस यहाँ पर खुद भी रिस्पॉन्सिव डैमेज जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। डबल जंप लेते हैं, नीचे आते हैं, ऑसम, लगता है हार मानने वाली है, पागल हो गई, शिट डैम पागल हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जंप करना पड़ेगा, डबल जंप मारते हैं, सही। ओ वो भाई 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 भाई, आराम से आराम से, टेक इट इजी गाइस, टेक इट इजी, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, जंप इजी, जंप डबल जंप, ओ एनीथिंग इज पॉसिबल मैन, एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। मेरे यहाँ पर अगर एक भी उसकी अटैक पड़ गई तो मैं मर जाऊँगा यहाँ पर। अब पावर यूज़ कर लेते हैं हमारी, ओ भाई एकदम एंड पॉइंट पे जीते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रही है कि तुमने मुझे हरा तो दिया है, बट मैं खुद भी मरूंगी और तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी भाई,
तो बेसिकली यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर गैस जो है, जहरीली गैस वो फैल रही है और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। और ये देखो नीचे से हम लोगों को गैस आते हुए दिख भी रही है। सो आवर टास्क हियर इज टू मूव सेफली। तो हम लोग इसका ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पर डबल जंप मारनी पड़ेगी। देखो गैस जो है वो कितनी ज़्यादा स्पीड से हमारे पीछा कर रही है यहाँ पर। बट यहाँ पे आप लोग जानते हैं ऑब्स्टिकल्स भी मिलते हैं, इसे यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब भी आप लोगों को इस गेम के अंदर जंप डिस्क मिलेगी, आप लोगों को यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि गेम को पता है कि आप लोगों को उस समय एक्स्ट्रा जंप बूस्ट चाहिए, तो वो उसी के लिए होता है। ये देखो तो हम लोगों को एरो शो कर रहा है कि हम लोग को उस तरफ जाना है, अब यहाँ से ऊपर जाना है। देखो गैस कितनी पास आ चुकी है। तो यार गेम की अलग ही कुछ लेवल है, अलग ही कुछ स्टोरी चलती है गेम की, और इसी वजह से मुझे ये गेम इतनी पसंद है। हम लोग यहाँ पे इसकी पूरी कंप्लीट एंडिंग करने वाले हैं गेम की, और आप लोग भी फुल हमारे साथ यहाँ पे इस गेम का मज़ा लेने वाले हो। तो गाइज़ आप लोग सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें। भागते हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ। लो भाई, पहले सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को कूदना था और गैस से बचना था ऑब्स्टिकल्स के साथ, बट अब यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं भी आ चुकी हैं जो कि हमें कुछ नहीं कर पाई। जीत गया हमारे यहाँ पर थंडर निंजा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई अलग क्या स्टोरी लाइन, इतनी परफेक्ट है इस गेम की, सुपर ओपी स्टोरी लाइन यार। Just beyond these Tori gates is the sword altar where the ancient Yin sword is sealed. और लगता है हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उस स्वॉर्ड की तरफ जो कि निंजास की स्पेशल स्वॉर्ड है। ये क्या हो रहा है, कुछ झटके लगे? No, the elders said that pulling out the ancient Yin sword would cause the entire forbidden area to collapse. Have they succeeded? लेकिन हमारा निंजा बोल रहा है कि जब भी वाली स्वॉर्ड, तो जी जब भी हमारी वो एंशियंट स्वॉर्ड हटेगी तो धरती हिलेगी। और लगता है यहाँ पर जो जीन स्वॉर्ड है वो ले चुका है यहाँ पर, वो उसने छीन लिया हमारी एंशियंट स्वॉर्ड। बट ये बोल रहा है कि सिर्फ निंजा ही उस स्वॉर्ड को छीन सकते थे, तो ये कैसे हो पाया मैं ये सोच रहा हूँ भाई, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ पे ओम योगी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, हमारा मास्टर, ये तो हमारा गुरु है भाई। तो ओ शेट भाई, तो गाइस यहाँ पे इसने हमारा जो गुरु था उसको इसने कैप्चर कर लिया यहाँ पर। भाई हमारा बैटल इसके साथ होने वाला है, ये तो पीट देगा हमें। You've become much stronger. Unfortunately, I don't have time to play with you. So why don't you say hello to some of your old friends? अच्छा अभी नहीं होने वाला, तो शायद ये अपने को चेले भेजने वाला है। यार कहीं ये दोबारा से शिकिगामी को तो नहीं भेजने वाला लग रहा है मुझे यहाँ पर। अब ये तो रेड फेस वाला है। It seems that one wasn't enough. बट ये बोल रहा है कि तुमने एक को हरा दिया था, इसलिए अब दो से लड़ो। I'm afraid this place won't last much longer. Enjoy it while it lasts. नहीं, ओ भाई। तो गाइस अब हम लोगों को यहाँ पर इनसे लड़ना भी है। All you ever do is eat. Listen up. This one's a tough one. Don't disappoint Lord Onmyoji twice. और अपने कैप्टन की जान भी बचानी है। इंटेंस बैटल भाई, डबल पावर डियो यहाँ पर होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारा थंडर निंजा कैसे सरवाइव करेगा यहाँ पर। जंप मारते हैं। डबल डिफ़िकल्टी हो चुकी है यार, डबल डिफ़िकल्टी, लेकिन डबल डिफ़िकल्टी के साथ मज़ा भी हम लोगों का यहाँ पर डबल हो चुका है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, तो मज़ा बहुत आएगा। ये देखो भाई उनके अटैक्स भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हो? और हम लोगों को स्टार्स को उठाना भी ऐसे है कि हमारी हेल्थ ना जाए। फंस गए। पावर यूज़ कर लेता हूँ। हमारी यहाँ पर हाफ हेल्थ इन लोगों ने कर दी है भाई अभी से ही। स्टार्स लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर इन दोनों की, ओ एक ऊपर से मार रहा है, एक नीचे से मार रही है भाई, बहुत दिक्कत है। तो नीचे जा, ऊपर जा, नीचे जा, ऊपर नीचे, ओ शेट। मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल काम चल रहा है यहाँ पर।
वो तो अच्छा है कि हमने फिर भी यहाँ पर अपने करेक्टर की जो पावर्स थी इसको हमने अपग्रेड कर लिया था, वरना भाई दिक्कत और भी ज़्यादा हम लोगों को फेस करनी पड़ती इस जगह पर। मेरा एक बार यहाँ पर अल्ट आ जाए ना, तब हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। मिल गया अल्ट, हम लोगों का यूज़ करता हूँ, आ जाओ। अल्ट से आप लोग जानते हैं बेसिकली यार हम लोगों को काफ़ी हेल्प तो मिलती है, क्योंकि इनके अटैक्स को वो डॉच करता है, प्लस ये जो ब्लास्ट होता है लास्ट में ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट कर जाता है। ये देखो पागल हो चुके हैं यहाँ पर, अब कॉन्टीन्यूस अटैक दे रहे हैं। बट देख सकते हैं जो रेड मॉन्स्टर है उसकी हेल्थ बहुत कम बची है, तो आई गेस फर्स्ट यहाँ पर वही मरेगा और फिर बचेगी ग्रीन वाली। जो पावर हटते हैं जल्दी से, बहुत सही बहुत सही। गैस कर सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा नियर पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर उनके अटैक्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुके हैं। अब कमॉन कमॉन कमॉन, कर सकते हैं कर सकते हैं। ओ वो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। गैस कुछ भी हो सकता है, देखो हमारी भी हेल्थ बहुत कम बची है यहाँ पर। जंप, नहीं नहीं, हमारे एक भी पड़ के हम लोग मर जाएंगे यहाँ पर। पावर यूज करता हूँ जल्दी से मैं। गाइस क्या लगता है मुझे यहाँ पर इनको मार पाएंगे या फिर नहीं? ओ नहीं, बच के ऊपर जा, स्टार यूज कर, सही ऊपर। भाई भाई भाई, नहीं जंप मारते हैं। गाइस कुछ भी पॉसिबल है, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। बट आप लोग जानते हैं गेम के अंदर आप लोगों को जो दूसरा निंजा है हमारा, उससे भी खेलने का मौका मिलता है, प्लस हमारा उसका अल्ट भी रेडी है, तो अब तो यहाँ पर ये मर ही जाएगा इजीली। ये देखो हमने उसके अल्ट के साथ जो हमारी बेसिक पावर थी उसका भी यूज़ किया, और लगता है हमने यहाँ पर दोनों को ख़त्म कर दिया। इसे कहते हैं भाई बेस्ट डियो भाई। तो गेम के अंदर आप लोगों को दो करेक्टर्स को अपग्रेड करने का मौका दिया ही इसलिए गया है ताकि आप लोग की टीम है हमारी पूरी टीम के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर खेलना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ओमनियोगी है किस चक्कर में, हम लोगों को यहाँ पर इस बात का पता लगाना पड़ेगा। और कैप्टन हाइशिरो के साथ यहाँ पर क्या करने वाला है भाई? तो गाइस हमारे यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 था वो फिनिश हो चुका है, हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 अनलॉक हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। एम्बश द समुराई कैसल, वो तो हम लोग यहाँ पर एंड के बहुत नियर आ चुके हैं, बहुत मजा आने वाला है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't